तीन न्यू कोर्सेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ के, फर्स्ट ईयर मैथ, सेकंड ईयर मैथ, ईकैट मैथ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग होंगे सारे। सेकंड ईयर और ईकैट मैथ का मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर मैथ का कंफर्म नहीं है स्टार्ट होगा, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या नहीं। तो इस वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट करो, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर मैथ के ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ। अगर 15-20 बच्चे भी हो तो मैं स्टार्ट करूंगा, वरना मैं स्टार्ट नहीं करूंगा सेकंड ईयर और ईकैट के मैथ के कोर्सेज ही स्टार्ट। यार स्किल का मतलब है कि आईटी के कोर्सेज सीख लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली, एसईओ कर लिया, मार्केटिंग कर ली, या कुछ और पढ़ाई के अलावा जो चीज है उसको हम स्किल समझते हैं। मैथ सीखना एक स्किल है। स्किल का मतलब होता है कोई भी चीज आपको अच्छे तरीके से करनी आती है, आपने उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो मैथ सीखना एक स्किल है। आपने जो एडमिशन लेना है इस कोर्स के अंदर वो 5 सितंबर से पहले पहले लेना है। पहले होता यह था कि कोर्स स्टार्ट हो जाया करता था, बच्चे मंथ के दरमियान में आ रहे हैं, फीस का भी सिस्टम अजीब सा हो रहा है, फिर पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मैं अलग अलग सबको सेंड कर रहा हूं। तो इस दफा आप लोगों का एडमिशन जो है वो 5 सितंबर से पहले पहले आपको करना है। अगर 5 के बाद आओगे आपका एडमिशन नहीं होगा। जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में आए हैं, जो सेकंड ईयर के न्यू मैथ की बुक पूरा सिलेबस पढ़ने लगे हैं, वो बच्चे ईकैट में एडमिशन लेंगे। ये जो ईकैट का कोर्स है ये सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपी बोर्ड, फेडरल, जितने भी बोर्ड हैं, इवन सिंध का जो न्यू मैथ की बुक है, सबके अकॉर्डिंग में मैथ इसके अंदर कवर करवाऊंगा। कोई एक बोर्ड नहीं है जिसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जब से मेरी वीडियो अपलोड हुई थी सेकंड ईयर की जो न्यू मैथ की बुक आई है, तो स्टूडेंट काफी पूछ रहे थे कि कब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल डिस्कस करूंगा पूरी। सबसे पहली बात, तीन न्यू कोर्सेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ के, फर्स्ट ईयर मैथ, सेकंड ईयर मैथ, ईकैट मैथ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग होंगे सारे। सेकंड ईयर और ईकैट मैथ का मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर मैथ का कंफर्म नहीं है स्टार्ट होगा, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट इंटरेस्टेड है या नहीं। तो इस वीडियो अपलोड होने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टेक्ट करो, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर मैथ के ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ। अगर 15-20 बच्चे भी हो तो मैं स्टार्ट करूंगा, वरना मैं स्टार्ट नहीं करूंगा सेकंड ईयर और ईकैट के मैथ के कोर्सेज ही स्टार्ट होंगे। सबसे पहली बात, सेकंड ईयर मैथ की मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता देता हूं, जो सेकंड ईयर मैथ जो न्यू मैथ की बुक है उसके मुताबिक जो ऑनलाइन कोर्स में स्टार्ट करने लगा हूं पूरी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक वर्ड है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और वो वर्ड है स्किल। अब जब भी आपको कोई बोलता है ना स्किल सीखो, तो हमारे जहन में आता है कि यार स्किल का मतलब है कि आईटी के कोर्सेज सीख लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कर ली, एसईओ कर लिया, मार्केटिंग कर ली, या कुछ और पढ़ाई के अलावा जो चीज है उसको हम स्किल समझते हैं। मैथ सीखना एक स्किल है। स्किल का मतलब होता है कोई भी चीज आपको अच्छे तरीके से करनी आती है, आपने उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो मैथ सीखना एक स्किल है। मसला ये होता है कि बच्चे समझते हैं कि मैथ एक सब्जेक्ट है, बस इसमें पास हो जाओ तो तभी उनके ध्यान में आता है इंपॉर्टेंट करो, क्वेश्चंस करो, जल्दी जल्दी करो, शॉर्ट ट्रिक देखो। अगर आप मैथ को स्किल समझोगे, या किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप एक्सपर्ट बनना चाह रहे हो, तो ये आपकी बेसिक्स हैं, यहां से आपको चीजें सीखनी है प्रॉपर। तो आपने इसको स्किल समझना है, बर्डन नहीं समझना, सब्जेक्ट नहीं समझना कि यार बस मुझे पास करना है इसके अंदर। दूसरी बात, नॉर्मली जो भी कोर्सेज होते हैं इस बता चलो टफ बुक है, लेकिन इंपॉर्टेंट करवाना, पेपर की तैयारी करवाना, ये कोई बड़ी बात नहीं, करवा देते हैं सारे। इसमें असल मसला होता है कि कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को दे रहे हैं, पूरी जो आपने मैथ खत्म करवाई है वो कॉन्सेप्ट के साथ खत्म करवाई है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, ये जो कोर्स पूरा स्टार्ट होने वाला है 8 महीने का ये कोर्स है, तो इसके अंदर सबसे पहली बात आप लोगों को, सबसे पहली चीज, कॉन्सेप्ट आपको भर के मिलेंगे। यहां पर प्रॉपर मैथ कवर होगी, प्रॉपर डिटेल कवर होंगे इसके अंदर। पेपर बाद की चीज है, जब आप एक दफा बुक सही तरीके से समझ लो पेपर आपका खुद ही हो जाएगा, इस चीज को आपने ध्यान में रखना। अच्छा, स्टार्ट कब से हो रहा है? कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर से, जो नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है। स्केड्यूल क्या होगा इसका? मंडे से लेकर थर्सडे तक 4 क्लासेस हैं, मे भी 5 में क्लासेस दूं, शुरू के 2 महीने तो मुझे ज्यादा क्लासेस देनी है इस दफा, तो 4 या 5 क्लासेस हफ्ते में होंगी, मंडे से थर्सडे या मंडे से फ्राइडे। और टाइमिंग जो है इसकी क्या होगी, नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस यही है कि दोपहर की टाइमिंग बच्चों को सूटेबल रहती है, ना इसमें नमाज आती है, ना इसमें किसी के सेंटर इतने होते हैं दोपहर के वक्त, शाम के वक्त होते हैं, तो 2 से 5 के दरमियान कोई भी 1.5 घंटा हमारी क्लास हुआ करेगी। अब जब सब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, नेक्स्ट मंडे को हम इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे, जो मंडे आने वाला है हम डिसाइड करेंगे कौन सी टाइमिंग रखें। मुझे जो फिजिबल है वो 3:30 से 5 बजे तक है, 1.5 घंटे की क्लास होती है, और 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटा प्रॉपर क्लास होती है, कोई डिस्टर्बेंस कोई कुछ नहीं होता। क्लास जूम के ऊपर होती है, लाइव क्लास होती है, कैमरा नेट हर चीज बेस्ट रखी हुई मैंने, ताकि बच्चों को मसला ना हो। क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, लाइव क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूं। तो अब जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तभी मैं एग्जैक्ट टाइमिंग बच्चों से पूछ के जो मेजोरिटी कह रहे होंगे उनकी डिसाइड कर लेंगे। अगर किसी को मसला होगा, किसी 1-2 दिन में कोई इशू है, तो वो रिकॉर्डिंग भी उन 2 दिन की देख सकता है, बाकी 2 दिन लाइव क्लास में आके सवाल पूछ ले या क्लास ले ले, तो ये ऑप्शन भी मैंने रखा हुआ है। तो 2 से 5 के दरमियान कोई भी 1.5 घंटे की हम टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे, वो जब ग्रुप बनेगा बच्चों का तब मैं इंशाल्लाह बच्चों से पूछूंगा, जो मेजोरिटी कहेगी उसके मुताबिक हो जाएगा। आपने जो एडमिशन लेना है इस कोर्स के अंदर वो 5 सितंबर से पहले पहले लेना है। पहले होता यह था कि कोर्स स्टार्ट हो जाया करता था, बच्चे मंथ के दरमियान में आ रहे हैं, फीस का भी सिस्टम अजीब सा हो रहा है, फिर
पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मैं अलग अलग सबको सेंड कर रहा हूँ। तो इस दफा आप लोगों का एडमिशन जो है वो 5 सितंबर से पहले पहले आपको करना है। अगर 5 के बाद आओगे आपका एडमिशन नहीं होगा, दोबारा एडमिशन ओपन होगा अक्टूबर के अंदर, पहली अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर के दरमियान फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपका वक्त जाया होगा अगर आप 5 के बाद आओगे, इस चीज को आप ध्यान में रखना। फिर अक्टूबर में होगा, इसी तरह 5 अक्टूबर के बाद आए तो फिर पूरा अक्टूबर में एडमिशन नहीं होगा, नवंबर की पहली से 5 नवंबर तक एडमिशन होगा। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। इस दफा 5 सितंबर से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। रही बात फीस क्या होगी सेकेंड ईयर मैथ की, तो बच्चों ये वो चीज है जो मैंने काफी सोच समझ के रखी है। मुझसे डिस्काउंट मांगते हैं भाई, कोई डिस्काउंट कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो जितना हो सकता था मैंने उतना रखा हुआ है। 3000 पर मंथ आपको फीस देनी होगी, लेकिन आप लोग यकीन करो ना करो ये बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ये काश आप लोगों को भी पता चल जाए कि 8 महीने के अंदर कितनी मेहनत होने वाली है। आप क्लासेस की ड्यूरेशन देख सकते हो और प्रॉपर डिटेल में पूरी मैथ कवर हो रही है। तो 3000 पर मंथ इसकी फीस होगी, 8 महीने का ये कोर्स होगा। अब जरा ईकैट का जो मैथ का कोर्स स्टार्ट होने वाला है उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एक बहुत मशहूर सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर ईकैट किसको करना चाहिए। जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, जो सेकेंड ईयर के न्यू मैथ की बुक पूरा सिलेबस पढ़ने लगे हैं, वो बच्चे ईकैट में एडमिशन लेंगे। होता ये कि ईकैट नॉर्मली नस्ट का तो दिसंबर में टेस्ट होगा, फिर मार्च में टेस्ट होता है। नस्ट के 3-4 टेस्ट होते हैं, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज के जो नेक्स्ट ईयर ना, जो अभी सेकेंड ईयर के बच्चे अभी स्टार्ट हुए ना, तो नेक्स्ट ईयर आपको यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने होंगे। तो नेक्स्ट ईयर नस्ट का तकरीबन एग्जाम से पहले हो जाता है या एग्जाम के फौरन बाद ही हो जाता है। इस तरह बाकी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम के फौरन बाद हो जाता है, जुलाई में हो रहा होता है, जून में हो रहा होता है, अगस्त में हो रहा होता है। तो बाद में आपको ईकैट की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बेस्ट टाइम इसलिए क्योंकि मेजोरिटी बच्चे अभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं, टाइम भी जाया कर रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप ईकैट की अभी तैयारी करो। ये जो ईकैट का कोर्स है, ये सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, केपी बोर्ड, फेडरल, जितने भी बोर्ड्स हैं, इवन सिंध का जो न्यू मैथ की बुक है, सबके अकॉर्डिंग में मैथ इसके अंदर कवर करवाऊंगा। कोई एक बोर्ड नहीं है जिसको मैं प्रेफर कर रहा हूँ। चैप्टर्स के नाम चलो किसी बोर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कंटेंट में हर बोर्ड का यहाँ पे मैथ आपको कवर करवाने वाला हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपकी कोई भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, नस्ट हो गई, प्यास, फास्ट, एनडी, मेहरान, जितनी भी यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग, अगर आप ये कोर्स कर लोगे तो आपको कभी भी किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में मैथ में मसला नहीं होने वाला। प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, प्रॉपर फॉर्मुले, जितनी भी बातें चैप्टर की डिस्कस होंगी, चैप्टर खत्म होने के बाद उसके एमसीक्यूज लाइव मैं सॉल्व करवाऊंगा। हर चैप्टर के 80-90 एमसीक्यूज तो मिनिमम होते हैं, किसी के 100, 150, 120 इस टाइप के एमसीक्यूज भी होते हैं। तो डिटेल में पूरी मैथ यहाँ पे कवर होगी। इसके अलावा बाकी स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, जिन्होंने गैप लिया, जिनका सेकेंड ईयर हो गया है, गैप लिया है, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इवन अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी में हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैथ सीखने के लिए बेस्ट कोर्स है ये। प्रॉपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मैथ बेसिक से एडवांस लेवल की इसमें आप लोग सीखोगे। तो अगर आप मैथ सीखना चाहते हो या आपने गैप लिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सब ऐसे स्टूडेंट के लिए कोर्स बेस्ट रहेगा। 4 महीने का बच्चों ये कोर्स है, 4 महीने में रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव नहीं है। क्योंकि जब भी मैं लाइव ईकेडी क्लासेस देता हूं, बच्चे हमेशा प्रेफर करते हैं रिकॉर्डिंग देखें उनको, तो दैट्स व्हाई फिर मैंने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी भी कोर्स पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, सेकंड ईयर के कितने लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करने, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर के तकरीबन अगर आप देखो तो 150 लेक्चर्स बनेंगे। 150 का मतलब पहले, और हर लेक्चर की जो लेंथ है वो 30, 35, 40 इस टाइप की होती है। तो अंदाजा लगा लो कितनी डिटेल में मैथ, कितनी प्रॉपर तरीके से मैंने मैथ पढ़ाई हुई है इसके अंदर। सेम सेकेंड ईयर में भी 100-120 तो आराम से होंगे। तो ये पूरे लेक्चर्स हैं जो 4 महीने के अंदर मैं पूरी आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा, एक प्रॉपर तरतीब के साथ, ऑर्डर के साथ लेके जाऊंगा कि पहले ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर का ये टॉपिक आज करो, जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो पूरे ऑर्डर के, पूरे एक ऑर्डर वाइज हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ को कंप्लीट करेंगे। आपको एक फायदा ये भी हो जाएगा जो बच्चे सेकेंड ईयर में है अभी, कि अगर अभी से वो सेकेंड ईयर मैथ पढ़ रहे ना, तो अगर वो ईकैट कोर्स में एडमिशन लेंगे, इसमें जो मैं पूरी सेकेंड ईयर 2 महीने के अंदर कंप्लीट करवाऊंगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी काफी हेल्प होगी अगर आप ईकैट के कोर्स में एडमिशन लोगे। तो रही बात इसकी फीस क्या होगी, देखो ईकैट की ओवरऑल पूरी फीस ली जाती है। तो 4 महीने का एक कोर्स है, 4 महीने की, अभी जब पहले स्टार्ट हुआ था तब भी फीस यही रखी थी मैंने, कोई फीस नहीं बढ़ाई, वही 6,500 पहले भी फीस थी, अभी भी 6,500 फीस है पूरे 4 महीने की, 6500। अगर आप पर मंथ बोलोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो बेस्ट है कि आप एक साथ ही अगर पे करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 4 महीने बहुत एडवांस लेवल की मैथ आप पढ़ने वाले हो, उसकी फीस मैं 6500 ले रहा हूं। अगर ग्रुप में स्टूडेंट आएंगे तो उनको भी मैं डिस्काउंट दे ही दूंगा, सेकेंड ईयर के हो या ईकैट के हो, तो वो भी डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। रही बात फर्स्ट ईयर मैथ की, तो अगर फर्स्ट ईयर मैथ में बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट ईयर मैथ का भी वही होगा जिस तरह सेकेंड ईयर मैथ की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट ईयर की 3 क्लासेस हो जाए करेंगी, 3-4 क्लासेस पर वीक, और वही 1-1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। बाकी डिटेल वही 3000 फीस, जो सेकेंड ईयर मैथ का मैंने आप लोगों को बताया वैसी मैं फर्स्ट ईयर मैथ भी करवाऊंगा। ये बच्चों पूरी डिटेल है कोर्स की। जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है या कोई भी उसका सवाल है, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करे, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी, तो आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करो। बाकी रजिस्ट्रेशन आपको
5 सितंबर से पहले पहले करवानी है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रख लो। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।